पीटीआई के ऐसे अकाउंट्स दरियाफ्त हुए जिनका इलेक्शन कमीशन में हिसाब नहीं दिया गया था। पीटीआई और इमरान नियाजी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैंपियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, आवाम से छुपाई जाए, जारी न की जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। किस बात की पर्दा पोशी करना चाहती है, किस बात की राजदारी रखना चाहती है? असल बात यह है कि जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड किसी सियासी जमात ने आज तक ना किया है और शायद ना कोई कर सकेगा जितना पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए किया है। और अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो जैसे हमारे देहात में जब कोई कत्ल करता है तो वो मकतूल पार्टी के ख़िलाफ़ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है ताकि उस कत्ल के मुकदमे को मुतनाज़ा बनाया जा सके और वो अपनी जान बचाने की तदबीर कर सके। पीटीआई की तरफ से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त उस क्रॉस एफआईआर की मानंद है जिसका मकसद ये है कि हम खुद तो पकड़े गए हैं लेकिन दूसरों पे भी हम कीचड़ उछालें ताकि हमारी चोरी जो है वो छुप सके। आज तक पीटीआई ने कोई एक सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी का पेश नहीं किया। यहाँ पर खड़े होके ये इस बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने अकाउंट्स का हिसाब दे। मैं एक बार वाजे करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कोई ममनुआ फंडिंग के केस जेरे समात नहीं। पीटीआई ने जो हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी थी आज तक उस दरख्वास्त के तहत सिंगल पीस ऑफ एविडेंस हमें फराहम नहीं किया गया जिस पर हमसे जवाब मांगा जाए। ये झूठ बोल के क्रॉस एफआईआर करके कोशिश करते हैं कि अपनी चोरी को छुपा सकें और अब ताज़ा चोरी भी पकड़ी गई है।